ऑल राइट गाइस, वेलकम है आपका मेंटोरशिप में। ये हमारी मेंटोरशिप क्लास है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? बड़ी ध्यान से बातों को समझना जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? ये मेंटोरशिप का फर्स्ट पार्ट है। जब मार्केट ने जन्म लिया था ना, तब से एक वी पैटर्न बनाती आ रही है। वी पैटर्न मार्केट में, वी पैटर्न को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और मार्केट आज भी काम करती है वी पैटर्न पर। लेकिन आपने सालों से समझ रखा है कि वी पैटर्न एक अलग तरीके से काम करती है, या ऐसे करती है, मतलब जो आपको नॉलेज है वी पैटर्न के बारे में। लेकिन मेरी मेंटरशिप क्लास के अंदर में वी पैटर्न का एक अलग ही तरीका है काम करने का। आपको चार्ट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर वी पैटर्न काम करेगा या नहीं करेगा। तो जो मैं शॉर्ट शॉर्ट चीज में आपको बताने वाला हूँ, जहां पर आप डेली यूज कर डेली आप प्रॉफिट भी बनाएंगे मेरी मेंटरशिप क्लास को लेके, ठीक है? तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, आपने मेंटरशिप क्लास ज्वाइन की है तो ये आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो इस कोर्स के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी मिलेंगी, शॉर्ट शॉर्ट चीज, मार्केट में आप पैसा कैसे बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के बेस पे प्रॉफिट बनाया जाता है, इस चीज को याद रख लो आप लोग, राइट? तो देखो सिंपल मैं चलता हूँ। मार्केट में कोई सा भी आप चार्ट ओपन कर लेना, जब से मार्केट ने जन्म लिया है तब से वी पैटर्न बनाती आ रही है। अब वी पैटर्न काम कैसे करता है, आपको वी कैसे पता है? आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर में दो तरीके की वी बनती है। मैं अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में दो तरीके की वी पैटर्न बनते हैं। तो मेरे माउस के इस पर सर्कल पे आप थोड़ा ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि मार्केट के अंदर में, एक तो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं अपने, एक तो वी पैटर्न ऐसे बनता है, यहां देखना, यहां थोड़ा यहां पे देखना, एक वी पैटर्न ऐसे बनता है, ऐसे जाके ऊपर की तरफ आ जाता है। ये स्कूल में भी वी सिखाया जाता है कि वी ऐसे बनता है। लेकिन मार्केट के अंदर में दो तरीके से वी बनते हैं, एक तो सीधा वी और एक उल्टा वी। कैसे? यूं करके ऐसे आना। तो मार्केट में इस तरीके से दो वी पैटर्न बनते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? मेरी बातों पे ध्यान देना और मेरी स्क्रीन पे ध्यान दोगे ना, डेली प्रॉफिट बनाओगे मेरे भाई। आपने मेंटोरशिप में पैसा खर्च करके ये कोर्स बाय किया है, तो मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ये तंगड़ी नॉलेज है। ये तंगड़ी नॉलेज काम करेगी और प्रॉफिट आप डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे। और प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट करके आप ट्रेड लो, आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता है। जो मेरी शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न इतने सारे मैंने बनाए हुए हैं ना, अगर आप उनको फॉलो भी कर, अगर 5 पैटर्न 10 पैटर्न भी अगर आपने सीख लिए सीरियसली होके, तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनने वाला है, ठीक है? तो जैसे कि मार्केट के अंदर में मैंने बोला आपसे, दो तरीके से वी पैटर्न बनते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। आप सीधा और उल्टा काम कैसे करेगा, इसमें मैं क्या क्या चीजें ऐड करने वाला हूँ, वो थोड़ा आप ध्यान दें, ठीक है? मेरी बातें और मेरी स्क्रीन पर आप ध्यान दें। अब जैसे कि मैं देखो यहां बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है? अब मार्केट में वी पैटर्न कैसा बनाए, ये देखो, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है। मार्केट ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आता है, और मार्केट वहां से नीचे की नीचे आ जाती है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाती है जब एक रेड ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद में मार्केट ने सीधा डाउन मूवमेंट बनाया। डाउन मूवमेंट बनाने के बाद में फिर मार्केट एक साथ ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो यहां पर वी पैटर्न बना, यस या नो? बिल्कुल बनाए वी पैटर्न। कैसे बनाए मैं आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, ठीक है? जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं हैवी, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा, अच्छे अच्छे क्लियर, ठीक है? ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने क्या करा है यहां पर, एक सेकेंड, 1 मिनट, थोड़ा कलर इसका थोड़ा यूनिक सा ले लेते हैं। ये पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है, ये नीचे आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है? चलो ठीक है, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगाई है, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है? यस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ठीक है। अब आपको वी पैटर्न समझ में आ रहा है, यस या नो? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, क्योंकि ये वी पैटर्न है। अब वी पैटर्न पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो थोड़ा सीरियसली समझो। आपने जहां तक नॉलेज ले रखी है वी पैटर्न के बारे में, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है। इस मेंटोरशिप क्लास में मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज वी पैटर्न, क्योंकि भाई ये वी पैटर्न इंपॉर्टेंट है। आप कैंडल देकर ट्रेड नहीं ले सकते, आपको चार्ट को देखकर कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो, जो आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी भी चाहिए, ठीक है, आनी भी चाहिए, मेरी बातें समझ में आपके। तो काम कैसे करेगा, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, देन नीचे की तरफ आई मार्केट, ठीक है। आने के बाद में मार्केट एक साथ ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद में तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको यहां पर दो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगी, दो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगी। कैसे मिलेंगी वो चीज मैं आपको बताता हूं। पहले तो एक तो मार्केट यहां पर वी पैटर्न को ऊपर ब्रेक कर दिया, मतलब वी पैटर्न यहां से स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ से आके फिर एक साथ ऊपर की तरफ गया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दे या टच कर ले, यहां पर क्लोज हो जाए या ऊपर ब्रेक कर दे, तो उसके बाद में जो कैंडल स्टार्ट होता है तो रेड कैंडल स्टार्ट हुआ, तो रेड कैंडल स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, पुट डायरेक्शन में। तो पुट डायरेक्शन में अगर आप यहाँ ट्रेड लोगे तो लॉस होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना है। लेकिन आपको क्या करना है, मार्टिकल हमेशा यूज करना है, आपको हमेशा एमटीजी इसमें ऑलवेज यूज करनी है, और यहां पर आप फिर एमटीजी यूज करते पुट डायरेक्शन में, आपकी ट्रेड हो जाएगी विन। 95% मार्केट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड देती है, 5% मार्केट एमटीजी दे देती है। लेकिन आपको यहां पर इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, वो बात है क्या, वो मैं थोड़ा आपको और समझा देता हूं। अब देखो, जब ये वी पैटर्न यहां ऐसे बन के आया, ऐसे समझ में आया, ठीक है, और मैं आपको बहुत सारी चीज समझाने वाला हूं यहां पर, ठीक है, समझ लेना है ध्यान से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मार्केट के अंदर में, यस, मार्केट के अंदर में क्या ये वी पैटर्न है, मार्केट के अंदर में क्या ये वी पैटर्न है? ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल आया, आने के बाद में नीचे आया मार्केट, उसके बाद में ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में तो ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कराए, बिल्कुल ब्रेक कर दिया, तो यहां पर वी पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ, यस या नो? बिल्कुल हो चुका है यहां पर वी पैटर्न। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिला है, बिल्कुल मिला है। उसके बाद में सेम डायरेक्शन ट्रेड लेनी है कॉल डायरेक्शन में, मतलब यहां पर वी पैटर्न जो कैंडल बनाता है, बनने के बाद में जो कैंडल यहां पर स्टार्ट होता है, जिस कलर का कैंडल बनता है, ग्रीन या रेड, आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो ये ग्रीन बनाए तो आपको यहां पर ग्रीन के लिए ही ट्रेड लेनी है, आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट। लेकिन यहां पर आपको दो चीजों का, एक और चीज का याद रखना है, जो चीज मैं आपको और बताता हूं डिटेल में, ठीक है। आपको एक और चीज ध्यान रखना है, मैं थोड़ा बताता हूं, वेट 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 वेट। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो आप लोग, मार्केट के अंदर में यहां देखो मैंने क्या बोला है, ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल आ जाता है, ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल आ जाता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आने लगती है, और तब यहां पर ये वी पैटर्न, ये एक ये वी पैटर्न है, छोटा वाला वी पैटर्न है। मार्केट तो नीचे निकल चुकी है, इससे कोई मैटर नहीं, लेकिन यहां देखो, आप कभी भी ट्रेड करो तो हमेशा कैसे ट्रेड लेनी है आपको, जब भी मार्केट ब्रेक करे, जब भी मार्केट इस वी पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो यहां पर एक रेड कैंडल उसके बाद में देखने को मिली है, यस मिली है, तो रेड कैंडल आपको देखने को मिली है, तो आपको यहां ट्रेड लेनी थी पुट डायरेक्शन में, ग्रीन कैंडल जो बना है तो आपकी लॉस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में आपको एमटीजी यहां पर यूज करना है, तो आपकी पुट डायरेक्शन में ट्रेड, आपकी एमटीजी ऑलवेज विन। तो मार्टिकल आपको यूज करना होगा, क्योंकि मार्टिकल आपकी ट्रेड को बिन करा देता है जहां लॉस हो जाती है, तो और ओनली वन टाइम आपको मार्टिकल यूज करना है, ये नहीं कि बार बार आप मार्टिकल यूज करेंगे, नो, ओनली वन टाइम, एक बार लॉस होती है तो एक बार यूज करनी है। अगर उसके एमटीजी भी लॉस होता है तो आपको नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड देखनी है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप मेरे कहने से जो चीजें मैं आपको फॉलो चीज बता रहा हूं उस चीजों को बड़े ध्यान से समझोगे तो आपका लॉस होना तो है ही नहीं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं चीज पे क्यों नहीं लॉस होगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना वो चीजें एकदम रियलिटी चीज है जो मार्केट भी फॉलो करती है।
और वो चीजें जो मैं आप लोगों को सिर्फ बता ही रहा हूँ और समझा रहा हूँ, जिससे आप भी प्रॉफिट करेंगे करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड रुकना आप जरा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ट्रेड और शॉर्ट शॉर्ट मिलेगी, वो ट्रेड आपकी शॉर्ट शॉर्ट होगी क्या, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। ये ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन्हें छोड़ो, वो पहले की लगी हुई है, बट यहाँ पर आप ध्यान दो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मूवमेंट भी समझना है मार्केट का, कहाँ ट्रेड लेनी है और कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे कि मार्केट के अंदर में एक रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, यस आया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, तो मार्केट ने ये वाला ब्रेक किया है, ये वाला ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या काम करा, रेड आया, उसके बाद में ग्रीन आया, तो आपको यहाँ पर एमटीजी विन होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, जहां भी मार्केट ब्रेकआउट करे, रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद में एक कैंडल का वेट करना है, वो जिस डायरेक्शन का बनेगा, अगर ये ग्रीन बनता कैंडल तो यहाँ पर आपको ग्रीन लेनी थी, ये रेड बना है तो आपको यहाँ रेड लेनी है, तो लॉस होगी लेकिन एमटीजी आपकी विन होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट में एक और शॉर्ट शॉर्ट आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है, एक और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न आपको मिलेगा, मिलेगा ही, ठीक है। सॉरी माई लैंग्वेज थोड़ा डिस्टर्ब, बट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो मार्केट के अंदर में शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होना क्या है, जब भी मार्केट रेड कैंडल के बाद में उसके बाद में बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बना दे, जब भी मार्केट एक रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना दे, बनाने के बाद में मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए वी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको यहां पर एक ग्रीन, दो ग्रीन, दो ग्रीन कैंडल है, तो इनके बीच में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। क्या लगानी है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद में मार्केट ने अगर ऊपर से एक रेड कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में आपको यहां पर सेम डायरेक्शन, पुट डायरेक्शन में ट्रेड यहां पर प्लेस कर दे दी है, आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट। क्या हो जाएगी? शॉर्ट शॉर्ट। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी आपकी। तो यहां पर एक ट्रेड आपकी पुट डायरेक्शन में शॉर्ट शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन यहां पर वी पैटर्न पर ही काम करेगा। क्या वी पैटर्न पे? ये नहीं है कि मार्केट चलता जा रहा है और मार्केट कहीं भी आपको दो ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं वहीं पर आपने लगाते, नहीं, सिर्फ ये पैटर्न जो काम करेगा वो वी पैटर्न बनाने पर ही काम करेगा, जहां पर आपको ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट आपकी ट्रेड मिलेगी, इसमें भी आपको मल्टीकल यूज करना का लॉस होती है, तो वरना इसके अंदर में 99% शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड रहेगी, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड रहती है, और 1% आपका एमटीजी ऑलवेज विन हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि इसमें आपको एक और बात का ख्याल रखना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि कहाँ किस बात का ध्यान रखना है, मार्केट कब क्या करती है, इस बात का ध्यान रखो। मार्केट के अंदर में एक वी, मतलब यहां से होने के बाद में, यहां से स्टार्ट होने के बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, तो आपको एक ही उसके अंदर में एक ही वी फॉलो करना है। क्या करना? एक ही वी का यूज करना है। जैसे कि अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा? यहां, यहां पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मार्केट वी पैटर्न कब फॉलो नहीं करेगी, कब आपको मार्केट वेव को बनाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कब क्या करने वाली है मार्केट। थोड़ा इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इससे ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, एक चीज आपको मैंने बोली थी, मार्केट जब भी रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाए थे, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना थे, बनाने के बाद में आपको इन दोनों के बीच में क्या लगाना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। यस, लगा ली। लगाने के बाद में मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इस रेड कैंडल ने ब्रेक करा, यस ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद में आपको नीचे ट्रेड लेनी है पुट डायरेक्शन में, तो आपकी यहां पर तो होगी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड, और यहां पर ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होने के बाद में इसने यहां भी एक वी पैटर्न इसने बना दिया है। क्या बना दिया? वी पैटर्न यहां पर नीचे से देखो आप, बना दिया ना, ये उल्टा वी है, उल्टा वी है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये उल्टा वी है, ठीक है। तो मार्केट ने उल्टा वी इसने बना दिया, यस बना दिया, बनाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, यस आ गया, उसके बाद में बैक टू बैक रेड आ गया, तो यहां पर मार्केट ने लॉस कराया, तो लेकिन आपको यहां पर ट्रेड लेनी ही नहीं है। अगर आपको श्योर श्योर ट्रेड यूज करनी है तो मेरे भाई वो सिंपल सा फंडा है, एक ही पैटर्न के अंदर में, मतलब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो आपको ऊपर एक वी मिल गया है, फिर नीचे भी आप दो वी देख रहे हो, मतलब एक श्योर श्योर ट्रेड, एक वी पैटर्न आपका
कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको वी पैटर्न कहीं का उसके पैटर्न के अंदर में कभी भी नीचे दो बने, तीन बने, कितने भी वी बने, देखो यहाँ पर एक वी बना, ये दो वी बनाने की कोशिश यहाँ पे की है, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। मतलब आपको एक ही वी पर ट्रेड लेनी है, कहाँ लेनी है, एक ही वी पर, बस आपको ट्रेड कहाँ लेनी है, एक वी पर ट्रेड लेनी है। उसके बाद में आपको सेकंड ट्रेड जो लेनी है वो आप ले सकते हैं कि रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन आते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं जहां पर मैं बता रहा हूं कि ऊपर से मार्केट ब्रेक करे तो आपके लिए, आपको रेड के लिए लेनी है। जैसे कि मैं बोलूं, अब देखो यहां, देखो यहां आपको समझ में आ रहा है, यहां आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो आप, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं, यहां देखो एक रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, यस या नो, बिल्कुल है। अब उसमें आपने बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, यस लगाई, तो किस कैंडल ने ब्रेक करा है, किस कैंडल ने ब्रेक करा है, देखो टच तो इस रेड कैंडल ने टच कर दिया है, मार्केट टचेस पे चलती है और एक गैप को फिल करने पे चलती है, तो आपको टचेस पे भी ट्रेड लेनी है और गैप को फिल करने पे भी ट्रेड लेनी है। बात समझ में आ रही है, मार्केट दो चीजों पे चलती है, एक तो टचेस पे चलती है और एक चलती है गैप को फिल करने पे चलती है। तो मार्केट के अंदर में, मार्केट के अंदर में अब आपको ट्रेड कैसे लेनी है, सिंपल। अब देखो ये जो रेड कैंडल था ना, रेड कैंडल ने सिर्फ टच किया है, टच करने के बाद में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे पुट डायरेक्शन में। अगर आप सोचो कि मुझे उसने टच किया तो टच में आप मैं नहीं ले सकता, तो देखो इस कैंडल ने टच किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, रेड कैंडल ने ब्रेक करा, यस या नो, इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पे पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेते तो आपकी लॉस हो जाएगी, उसके बाद में आपकी एमटीजी ऑलवेज विन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल होगी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक ही पैटर्न के अंदर में एक ही मार्केट रेंज चल रहा है, ऊपर से जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, उसमें एक दो वी बना के आ गया है, ठीक है, तो आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है मेरे भाई, आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपको एक ही वी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट एक भी फॉलो करती है, दो भी कर लेती है, तीन भी कर लेती है, लेकिन दो फॉलो करने के बाद में मार्केट तीसरा फॉलो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एमटीजी लॉस हो जाता है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, जिससे आप कभी भी लॉस ना कर पाओ, ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट है। अब देखो आपके सामने एक लाइव पैटर्न चल रहा है, अब लाइव क्या इस ये क्या ये वी पैटर्न होगा आपका, आप ये सोचो, आप ये सोचो क्या ये वी पैटर्न होगा आपका। अब देखो यहां, अब ये कैंडल कौन सा आएगा, ये रेड कैंडल आएगा या ग्रीन कैंडल आएगा, बताऊं, क्योंकि मार्केट ने यहां से इसको ग्रीन कैंडल ने टच किया है, उसके बाद में एक रेड कैंडल हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद में सेम डायरेक्शन रेड डायरेक्शन में ट्रेड आनी चाहिए। तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ये वी पैटर्न है या सेनो, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट होने के बाद में जस्ट ये ऊपर चला गया है, ऊपर जाने के बाद में इसने यहाँ पर ऊपर रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, जिसको बोलते हैं हम एक मैजिक वी पैटर्न बनाना, मैजिक वी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी मार्केट मैजिक वी बनाए तो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, भाई जब मैजिक वी पैटर्न बनता है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर भी चली जाती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना, और कहाँ ट्रेड लेनी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर में कहाँ ट्रेड लेनी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तो मार्केट है, ये बहुत सारी चीज यहाँ पर चेंज होती रहती है, क्योंकि मार्केट हर वीकली चेंज होती है, लेकिन हर वीक जो चेंज होती है वो इस तरीके से चेंज नहीं होती, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चेंज नहीं होती है मार्केट के अंदर में, ठीक है। मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था, ऊपर की तरफ गया, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये एक छोटा सा वी बनाया, एक छोटा सा वी पैटर्न बनाया, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनाया, तो सेम डायरेक्शन रेड कैंडल में ट्रेड क्लोज हो गई, तो हो गई शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड यहां पर, यस या नो, बिल्कुल हो चुकी है। तो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ और ध्यान से सुनो, मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, मैजिक वी काम कैसे करेगा, मैजिक वी काम कैसे करेगा, और मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, कहीं भी देख लो, कहीं भी बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगी, मैं आपको फिर समझाता हूँ मेरे भाई, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो ये एक छोटा सा, सबसे पहले मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मार्केट यहाँ से हुई थी, ग्रीन के बाद में रेड, रेड के बाद में मार्केट डाउन डायरेक्शन में आई, डाउन डायरेक्शन में आने के बाद में मार्केट एक साथ कंटिन्यू गई ऊपर। अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद में अब जरा देखो कि मार्केट ने क्या खेल खेला है और क्या नहीं है, आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट के अंदर में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। वेट वेट वेट, मैं थोड़ा सा एक लाइन और लेके आता हूँ, इसी को ले लेते हैं, चलो ठीक है।
तो वो हमारी लाइन कहाँ थी, एक सेकेंड। अब जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, अब देखो देखना मेरी बात, लॉस कैसे हो रही है और कैसे विन हो रही है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक चीज बोली आप लोगों को कि मार्केट के अंदर में एक ग्रीन कैंडल के बाद में अगर दो बैक टू बैक रेड कैंडल हमको देखने को मिल जाती हैं, तो आपको दोनों रेड कैंडल के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, रेड के बाद में दो बैक टू बैक, ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक और रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। सिंपल, जैसे कि मार्केट के अंदर में ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक आती हैं, तो जब मार्केट नीचे आने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, जब बीच वाली लाइन को, इस लाइन को ब्रेक करती है, तो आपको सेम डायरेक्शन कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है, तो यहां पर आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट, यस या नो, हो जाएगी। होने के बाद में मार्केट ने यहां पर ऊपर देखो एक मैजिक वी लेवल कंप्लीट किया है, जब मैजिक वी लेवल बनाया, तो बनाने के बाद में एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला है, उसके बाद में कोई भी रेड कैंडल नहीं आई, तो यहां पर शॉर्ट शॉर्ट भी लॉस हुआ, एमडीजी भी लॉस हुआ, कंटिन्यू हुआ। अब ये लॉस हुआ क्यों है, इस लॉस का रीजन है भाई, मेरी सिंपल सी वाली बात है, इस लॉस का रीजन है मार्केट का टारगेट है ये वाला फंडा। क्या टारगेट है? मार्केट का ये वाला टारगेट है। तो आपको कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं लेनी है कि मार्केट एक वी या नीचे क्लोज करने के बाद में ऊपर भी आपके लिए वी पैटर्न बना के रखी हो, तो मार्केट फिर नीचे वाले वी पैटर्न को फॉलो ना करके वो एक साथ ऊपर वाले लेवल को फॉलो कर लेगी। ऐसा होता है बहुत ज्यादा, 95% आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर में, इसलिए सबसे ज्यादा आप लॉस इस तरीके से करती हो। तो इन बातों को ध्यान रखना। अब देखो मार्केट ने क्या करा, अब मैं देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से लेके यहां लगाता हूं। अब मार्केट ने एक यहां पर वी पैटर्न बनाया, वैसा ये टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े से पैटर्न से बात नहीं बनती है, बस ये वी पैटर्न है मार्केट के लिए। यहां से आप जिग जैग लगा के देखेंगे तो यहां से यहां मार्केट पकड़ेगी, यहां से फिर ऊपर जाएगी मार्केट, तो ये वी है पैटर्न। वी पैटर्न बनने के बाद में देख लो आप क्या कंडीशन है मार्केट की, यहाँ पे ब्रेक किया वी पैटर्न, यस, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन हो गया सेम डायरेक्शन में शॉर्ट शॉर्ट। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि एक ही लाइन के मार्केट यहाँ से चल रही थी, यहाँ से नीचे 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 नीचे, तो यहाँ भी देखो मार्केट ने एक पहले लेवल फॉलो किया है, एक लेवल फॉलो किया मार्केट ने, जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद में रेड आया, तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। बस आपको ट्रेड प्लेस कहाँ करनी है, फिर ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड कैंडल आ रहा है, तो बीच में आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं, लगाने के बाद में यहाँ पे ब्रेक किया है इस ग्रीन कैंडल ने, तो सेम डायरेक्शन में कॉल डायरेक्शन में ट्रेड आप प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं आप लोगों के लिए, आराम से समझा रहा हूँ, प्यार से समझो क्या क्या गलती कर रहे हैं वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, सिंपल। तो इसलिए ऊपर भी एक वी पैटर्न बना के मार्केट रखी हुई है, तो उसको भी फॉलो करेगी मार्केट, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला फॉलो नहीं किया ना, ऊपर वाला फॉलो करेगी करेगी। अब नीचे आप ट्रेड नहीं लेनी है आपको, नीचे ट्रेड क्यों नहीं लेनी है, आपकी आंखों के सामने यहां भी पैटर्न रखा हुआ, क्यों, क्या हो सकता है कि मार्केट सेम डायरेक्शन ऊपर निकल जाए, तो इसलिए वेट करना है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेनी है, हर चीज देखकर ट्रेड लेनी है, क्योंकि हर चीज देखकर ट्रेड लोगे तभी मजा आएगा। अब यहां देखो सारी चीज बता रहा हूं, समझ लो ट्रेड कैसे लेनी है, कहां लेनी है, क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है। मैंने क्या बोल रहा हूं, ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक, रेड के बाद में दो ग्रीन बैक टू बैक, ये रेड कैंडल हमको देखने को मिल रहा है, यस या नो, बिल्कुल मिल रहा है। तो देन उसके बाद में बैक टू बैक मिल रहे हैं हमको, यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं, ये एक छोटा सा डोजी कैंडल बना है, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, यू आर चॉइस, ठीक है। तो देन मेरे कहने का क्या मतलब है कि मार्केट जब रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन बनाती है, तो हम बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, एक लाइन लगा रहे हैं, ऊपर वाली लाइन है, पीली वाली लाइन है, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन पीली वाली लाइन लगाई है मैंने कैंडलों के बीच में, और ये जो आपकी नीली है, ठीक है, नीली क्यों, ये हरी, राइट, थोड़ा सा थोड़ा गहरा रंग है इसका। तो जब मार्केट एक साथ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आने के बाद में तो ये पीली लाइन को किस कैंडल ने टच किया, रेड, रेड वाली कैंडल ने टच किया, तो आप सेम डायरेक्शन फोर डायरेक्शन यहाँ पर ग्रीन वाले में ट्रेड लेंगे, बस बिल्कुल लेंगे, उसके बाद में लेकिन लॉस हो जाएगी, उसके बाद में आपको मार्टिकल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तो आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी, यस है नो, बिल्कुल होगी, ठीक है, तो आपकी ट्रेड होगी विन। अब उसके बाद में नीचे एक वी पैटर्न भी बना रहा है, तो वी पैटर्न कौन सा बना रहा है, मैं एक सेकंड को, वी पैटर्न कौन सा बना रहा है यहाँ पर बताओ, क्या ये वी पैटर्न बन रहा है आपका, यस यानू, ये वी पैटर्न नहीं बन रहा है आपका, ठीक है, क्यों, ये मार्केट ने टच किया है, सिर्फ टच किया है,
टच किया है तो आपको ट्रीट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल जो छोटा सा डूजी बना है, अगर ये थोड़ा सा इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती तो ये मार्केट टचेस पे यहाँ पे काम कर जाती, लेकिन ये छोटा सा डोजी कैंडल बनाया है इसलिए मार्केट ने काम नहीं करा है। तो इन बातों का ध्यान रखना कि कहाँ ट्रेड लेनी है कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो मार्केट ने कहाँ काम करा है, इस ग्रीन वाले रेड वाले कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक किया, रेड वाली जो लाइन है, सॉरी रेड कैंडल जो है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हरी लाइन जो है, तो इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। इसका मैं कलर हरा ही कर देता हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना, क्योंकि आसानी रहेगी हमारे लिए, ठीक है। ये हरी वाली लाइन ने इस रेड वाले कैंडल को, रेड वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेड जो कैंडल है इस हरी लाइन को ब्रेक करता आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं, यस या नो? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसके बाद में एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला है, तो इसको रेड कैंडल के अकॉर्डिंग आपने यहां ट्रेड प्लेस करनी है और एक अच्छी एंट्री लो जिससे कभी भी लॉस ना हो, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकल जाए बेशक, लेकिन हमेशा एक अच्छी एंट्री ऐसी लो मेरे भाई कि आपकी ट्रेड हमेशा विन हो, ठीक है। तो आपको यहां पर ट्रेड होगी शॉर्ट शॉर्ट, यस या नो? तो इन बातों का ध्यान रखना, कब मार्केट वीक पे काम करेगी, कब मार्केट गैप को फिल करने पे काम करेगी। अगर आपके पास में इतनी नॉलेज हो गई तो आपको वी पैटर्न के थ्रू, मैं आपको रियली बोल रहा हूँ कि डेली आप नॉर्मली 10-20-30% भी अपने कैपिटल को गेन कर सकते हैं सिर्फ मैजिक वी पर। लेकिन मैजिक वी कहाँ कैसे काम करेगा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी वाली बात है भाई, क्योंकि ये आप लोग नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं समझ पाओगे, और इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट आपको मैजिक वी का ही दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मैजिक वी का, क्योंकि मार्केट ने जन्म लिया है तब से मार्केट इस मैजिक वी को बनाती आ रही है, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, बात समझ लो, ठीक है। मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूँ, मैं और भी चार्ट ओपन करके दिखा सकता हूँ आपको, सारे चार्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कैसे क्या काम करना है। मार्केट का मूवमेंट आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देख लो मार्केट क्या बनाने की कोशिश कर रही है और क्या बना रही है। अब देखो ये देखो मार्केट, देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगाता हूँ, जैसे लगा दी और एक और लगाता हूँ यहाँ पे, देखो भाई काम ना करे फिर मुझे बताना आप कि भाई काम नहीं करती है आपकी ट्रेड, ये नहीं करती है वो नहीं करती है। आप देखो जरा, रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आया, आने के बाद में दोनों ग्रीन कैंडल के बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद में मार्केट ने रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करा। मतलब मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जब भी रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन आपको दिख जाए, उसके बाद में आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, और जब भी मार्केट का रेड कैंडल का अगर वीक वीक भी ब्रेक कर दे, वीक भी ब्रेक कर दे मार्केट इस लाइन को, पीली वाली लाइन को ब्रेक कर देता है, उसके बाद में आपको सेम डायरेक्शन, तो पुट डायरेक्शन आपको ट्रेड लेनी है, आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे हरी वाली लाइन लगा रखी है मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, हरा कलर है इसका, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मैजिक वी किसने बनाया, इस रेड कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, मैजिक वी एकदम बना दिया इसने, वी पैटर्न बना दिया इसने। वी पैटर्न बनाने के बाद में एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला, यस मिला है, उसके बाद भी एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला है। बस आपको बातों का ध्यान रखना है कि लेवल्स तो नहीं है, और भी शॉर्ट शॉर्ट बहुत सारे पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगा और आगे चल के, ठीक है। तो आपको सपोर्ट भी देखना है, रजिस्टर्स भी देखना है। अब सपोर्ट लेवल होता क्या है, सपोर्ट होता है नीचे का, सपोर्ट होता है नीचे का, सपोर्ट होता है नीचे का, और ऊपर का लेवल होता है रजिस्टेंस लेवल। अब रजिस्टेंस लेवल काम कैसे करता है, रजिस्टेंस लेवल बहुत सिंपल सा फंडा है कि हर चीज ब्रेकआउट पे काम करती है, हर चीज ब्रेकआउट पे काम करती है। अब एक चीज बोलता हूँ, सपोर्ट देखो वो आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले मैजिक वी का फंडा मैं आपको क्लोज कर रहा हूँ, बाकी की चीजें मैं आपकी बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो एक ऊपर भी, जब ये तो नीचे का पैटर्न हो गया, मार्केट इस नीचे नीचे की तरफ बना रही है, लेकिन इससे पहले मार्केट ने एक पैटर्न वी पैटर्न ऊपर बनाया है, क्या बनाया, वी पैटर्न एक ऊपर बनाया है, उसके बाद में वी पैटर्न ऊपर बनाया है। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को आप लोगों को मिल रही है कि ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल सीधा इतना बड़ा मूवमेंट लेके नीचे आ गया है, सीधा कैंडल बड़ा मूवमेंट लेके आ गया, और फिर उसके बाद में बैक टू बैक इसने ग्रीन कैंडल मारा है। तो आपको यहां पर अगर रेड कैंडल दो बैक टू बैक नहीं मिल रही है, तो ये जो कैंडल जब वी पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ बनाएगी, तो ये
टचेस पे काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर बैक टू बैक दो रेड कैंडल होते तो यहाँ पर बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते, तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक करती है उसके बाद में कैंडल टचेस पे काम कर जाती है, इसलिए ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो किस कैंडल ने काम करा है, ग्रीन कैंडल ने पूरे गैप को फिल करके वी पैटर्न बनाया है, उसके बाद में रेड कैंडल, उसके बाद भी रेड कैंडल, आपको सेम डायरेक्शन में ले लेनी है। बस ये देखना है कि मार्केट कब वीक पे काम कर रही है कब नहीं कर रही है। वही चीज मैं बार 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 वही चीज रिपीट कर रहा हूं, क्यों, कि मार्केट में वी पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि अगर आपने वी पैटर्न नहीं समझा तो आप कितने भी कुछ भी चीज सीख लो कभी भी नहीं समझ पाओगे, कभी भी ट्रेडिंग आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों, वी पैटर्न सबसे ईजी है और मार्केट में प्रॉफिट देने वाला पैटर्न है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसको यूज कैसे करना है, कब टचेस पे काम करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं कोर्स बनाया हुआ है, इसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें सिखाऊंगा जब आप प्रॉफिट करेंगे। डेमो में खूब प्रैक्टिस करें, 2, 4, 10 बार वीडियो देखें, खूब प्रैक्टिस करें, उसके बाद में लाइव अकाउंट में उतरें, प्रॉफिट प्रॉफिट ही देगा मेरे भाई। सिंपल सा फंडा है मार्केट के अंदर में, एक अच्छे से वी पकड़ो, अच्छा से वी पकड़ोगे तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाओगे मार्केट के अंदर में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो सबसे बड़ी बात। तो जैसे कि मैं देखो चीजें बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको और भी वी पैटर्न दिखाता हूँ, मैं आपको और भी चार्ट भी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैं इसी चार्ट पे रहूँ, एओडी सीएडी, ठीक है, आपको मैं कहीं भी कुछ भी दिखा सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी दिखा सकता हूँ। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से मेरे भाई, क्योंकि समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा, आपने पैसे दे के ये कोर्स लिया है भाई, ठीक है, तो इसलिए सीरियसली होगे थोड़ा सा सीखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, चलो इतना ठीक है, ठीक है, तो देन हम कॉपी भी इसको कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैंने यहाँ लगाई, एक सबसे नीचे है, एक सबसे नीचे होने के बाद में अब मार्केट के अंदर में ये चीज देखो कि ये वी पैटर्न काम करा या नहीं करा, ये वी पैटर्न काम करा या नहीं करा, बिल्कुल करा है। कैसे करा है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में अगर दो बैक टू बैक ग्रीन रेड कैंडल हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हम ले भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नॉर्मली रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन आया, उसके बाद में रेड आया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक ट्रेड नीचे वाली शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड नहीं मिल पाएगी, क्यों, दो बैक टू बैक रेड कैंडल है नहीं है। तो देन आपको करना क्या है, एक चीज करनी है, क्या करनी है, यहाँ पर तो है नहीं है लेकिन नीचे जब एक ग्रीन कैंडल मिला है, एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद में बैक टू बैक दो रेड कैंडल बनी है, दो बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, तो बीच में आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगा सकते हैं, क्यों, मार्केट का यहाँ पर एक वी पैटर्न है, मार्केट सबसे पहले इस वी पैटर्न को बनाएगी और वी पैटर्न को कंप्लीट करेगी मार्केट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है यहां पर, उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल ने दोनों लाइन को ब्रेक करा है, दोनों मतलब एक वी पैटर्न भी इसने यहां बना दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया वी पैटर्न, और उसके बाद भी जो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो बैक टू बैक रेड कैंडल होती है, उसके बाद में हम बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो इसने ग्रीन कैंडल ने दोनों लाइन को ब्रेक कर दिया, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिला है, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिला है, तो यहाँ भी एक वी पैटर्न बनाया, उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल ने वी पैटर्न यहाँ बनाया है, बनाने के बाद में फिर दो कैंडल ही हमको यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, यस या नो, बिल्कुल। देन उसके बाद भी एक और यहाँ पर बना है, क्या, अब मैं बता रहा हूँ, देखो समझ लो, आप नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, फिर बोलोगे। अब मार्केट ने यहाँ देखो, यहाँ इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया है वी पैटर्न को, वी पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद में रेड कैंडल बनाए, उसके बाद यहाँ पर हमारी एमबीजी विन होती है, लेकिन आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी है। मैंने बोला एक ही पैटर्न के अंदर में, एक ही पैटर्न के अंदर में एक वी पैटर्न पर ट्रेड लो, एक ही पैटर्न के अंदर में एक ही वी पैटर्न पर ट्रेड लो। हाँ, आप ट्रेड ले सकते हैं, उस पर ले सकते हैं कि एक ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड कैंडल आ जाती हैं, तो उसमें वी पैटर्न में अगर आप बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, ये वाली बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, तो अगर ये ब्रेक कर दे तो आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड यूज कर सकते हैं, लेकिन वी पैटर्न पर आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ट्रेड लें वी पैटर्न पर, क्योंकि आप दो बार भी फॉलो कर जाती है मार्केट, तीन बार भी कर जाती है फॉलो, लेकिन कहीं कहीं करेगी दो तीन बार कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन आप उसी को चक्कर में, कहीं कहीं के चक्कर में आप लॉस कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो हमेशा फॉलो होता ही होता है, ठीक है,
और मार्केट के अंदर में वी पैटर्न तो बनते ही रहते हैं, हर पता है कितनी बार वी पैटर्न बनते हैं भाई, कितनी बार हर चार्ट में कुछ देर के बाद वी पैटर्न, कुछ देर के बाद वी पैटर्न, वी पैटर्न। क्यों? क्योंकि मार्केट जो पूरी चलती है ना वो वी पैटर्न के ही ऊपर चलती है, बिना वी पैटर्न के तो कुछ है ही नहीं है लाइफ के अंदर में। और वी पैटर्न के ही में दो तीन शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड और भी बनती हैं, मैं वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। वी पैटर्न के अंदर में दो तीन पैटर्न और भी बनते हैं, लेकिन मैं इसमें क्लियर नहीं कर सकता, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। और आपको किन बातों को ध्यान रखना है, एक और बात बता दूं, किन बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि बीच में यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, लाइन लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ लॉक को, ठीक है। अब देखो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे थे रेड के बाद में दो ग्रीन आई है, यस आई है, उसके बाद में इस रेड कैंडल ने सब लाइनों को ब्रेक कर दिया दोनों, अगर बीच में लगा दे तब भी ब्रेक कर दिया है, और नीचे भी ये है एक मतलब नीचे सपोर्ट लेवल है, तो वी पैटर्न को यहाँ पर कंप्लीट किया मार्केट ने, इस रेड कैंडल ने क्लियर कर दिया, उसके बाद एक छोटा सा डोजी बना है, उसके बाद में बैक टू बैक आया, तो आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेने, क्योंकि एक छोटा सा डोजी कैंडल बना है, इसको अवॉइड करना है आपको। मतलब जहां भी वी पैटर्न पर छोटे छोटे डोजी कैंडल बन जाए तो उसको अवॉइड करना, क्यों? छोटे डोजी जो कैंडल होते हैं वो पूरा मार्केट का पूरा ट्रैप ही बदल देते हैं, मार्केट कहाँ जाने वाली है वो सब कुछ बदल देते हैं, जो आप लोग समझ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आप लॉस भी कर लोगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब मार्केट के अंदर देख लो, यहाँ देख लो, मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा मेरे भाई, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से। आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक रेड कैंडल आए, बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, तो एक इस ग्रीन कैंडल ने इस वाली नीचे वाली लाइन को ब्रेक करा है, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करा है। जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर दे और ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर दे, मेरी बात समझना, एक ही कैंडल इस लाइन को भी ब्रेक कर दे और ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक कर दे, तो आपको उसके बाद में एक कैंडल का वेट करना है, ना कि कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेने। क्यों? मार्केट आप फॉलो नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होता है, वी पैटर्न से नीचे क्लोज होता, तो मार्केट कॉल डायरेक्शन में जाती, लेकिन एक ही कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक करा, उसके बाद भी ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद में एक कैंडल का वेट करो वी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहां पर रेड बनाए, उसके बाद आप यहां पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। ये चीज समझा दी वी पैटर्न में, क्या क्या समझा रहा हूं, बहुत पॉइंट पॉइंट वाली बात है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि ये चीज सुख ना, आप सोच रहे हो कि 5,000 रुपये में आपको इतनी सारी नॉलेज मिल रही है, एक छोटा सा आपने अमाउंट यहाँ पर पे कर दिया, उसके बाद आपको कोर्स मिल रहा है, भाई जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना ये 10-10 हज़ार रुपये में बिकना चाहूँ तो बिक जाएगी, लेकिन मेरा मकसद ऐसे पैसा कमाना नहीं है, मैं सेल्फ रीडिंग करके ही पैसा बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन आपको फ्री की नॉलेज हजम भी नहीं होती है, इसलिए एक छोटा सा मैंने अमाउंट रखा है कि जिससे आप थोड़ा सीरियसली होकर समझें और पैसा होना अपने मॉम डैड के सपने आप पूरे कर पाए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ऐसे नो? बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। मेरी बात समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका भाई आपको इतने प्यार से जो समझा रहा है, मार्केट के अंदर वी 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 के अलावा कुछ है ही नहीं है भाई, कितने सारे वी पैटर्न है पता है इसके, मार्केट के अंदर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। लो और दिखाना चाहता हूं आपको कुछ चीजें, अब आप बताओ खुद सोचो, एक सेकेंड, अब आप खुद सोचो यहां पर क्या बना रही है मार्केट, ये देखो मार्केट क्या बना रही है, बताओ क्या हमारी ट्रेड यहां पर शॉर्ट शॉर्ट होगी, यस या नो? बिल्कुल होगी। जैसे कि मैं बात करूं, रेड कैंडल आया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, तो एक रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो रेड कैंडल ने दोनों ही लाइन को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद में एक कैंडल का वेट करना है फिर आपको, क्योंकि दोनों लाइनों को ही ब्रेक करता जा रहा है, तो ये नहीं तुरंत यहाँ पर डाउन लो, नहीं, अब वी पैटर्न को भी यहाँ पर मार्केट फॉलो करेगी, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला है, मिलने के बाद में हमको एक और रेड कैंडल देखने को मिला है, तो ये ट्रेड हो चुकी है शॉर्ट शॉर्ट। तो इस तरीके से वी पैटर्न काम करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर आप एक वी पैटर्न के, वी पैटर्न में आप दो ट्रेड यहां पर निकालेंगे, और दिखाता हूं, और दिखाता हूं मेरे दोस्त, और दिखाता हूं, आपको मजा ना आए ना तब मुझे बोलना कि भाई मजा नहीं आ रहा यार, भाई तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, बस समझने की देरी है मेरे दोस्त, समझने की। अब मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, यहां मेरे, यहां देखो चार्ट पे, रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो इस रेड कैंडल ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में आप यहां पर एक
पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते थे, पुट डायरेक्शन में ट्रेड आपने प्लेस की तो वी पैटर्न भी इसने बनाया कंप्लीट, ठीक है। वी पैटर्न बनाने के बाद में आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेते, ग्रीन कैंडल अप लेते ट्रेड, तो ये भी शॉर्ट शॉर्ट और ये भी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट, दो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट आपको मिली बस 2-3 मिनट के अंदर में, मिली या नहीं मिली फिर आप लोगों के आंखों के सामने पूरा चार्ट, समझोगे बहुत कुछ मिलेगा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, बहुत सारी चीज समझाऊंगा, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है। बहुत सारे चीजें लाऊंगा, जो भी चीजें मुझे नई नई मिलेंगी और जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता वो सीक्रेट आप लोगों के लिए रहेंगी, मेंटरशिप वाले लोगों के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड भी, थर्ड, सारी चीजों को देखते रहो, मजे लेते रहो, प्रॉफिट बनाते रहो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, डेमो में ट्राई करो, अच्छे से लाइव लाइव में आओ, प्रॉफिट बनाओ और मुझे अपना फीडबैक देते रहना मैसेज करके, ठीक है। तो गाइस अब मैं क्लोज करता हूँ, ये पार्ट हमारा बहुत जल्दी 40 मिनट का हो चुका है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, दोबारा देखो, ठीक है, 2-3 बार देखो अच्छे से, एक एक पॉइंट को चीज समझो, तो ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, मेंटरशिप की क्लास में, तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस, ऑलवेज रेडी रहो, मस्त रहो, प्रॉफिट बनाओ, ठीक है, बाय, जय श्री राम।